Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 केसेस पर। 161 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, साथ साथ 38 डिस्चार्ज और क्योर्ड केसेस। अफसोस भरी बात है कि आज 4 नए डेथ शामिल हैं। प्रणब मुखर्जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी आखिरी सांसें ली 84 साल की उम्र में। वो एडमिटेड थे आर्मी हॉस्पिटल में जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हाल ही में उन्होंने एक सर्जरी की थी, ब्रेन सर्जरी, जहाँ पर उन्हें एक ब्लड क्लॉट हुआ था। उसके बाद उनकी तबीयत सही नहीं रह रही थी। प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी थे और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिर में अभिजीत मुखर्जी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी सभी लोगों को। गुलबर्गा शहर आएगा अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के अंदर। जी हाँ, जगदीश शेट्टर जो कि लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई आज हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग में, जहां पर कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे, साथ साथ गुलबर्गा के डीसी और एमएलए अपूगौड़ा भी, इसमें अमरनाथ पाटिल जी और कई सारे लोग मौजूद थे। जगदीश शेट्टर जी का यही कहना था कि कर्नाटक को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाया जाएगा, जिसके अंदर धारवाड़, गुलबर्गा, शिमोगा भी लिया जाएगा। जिस तरह से पहले बेंगलुरु की तरफ इंडस्ट्री ज़्यादा होते थे, तो कर्नाटक के अंदर इसको फैलाना है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर। इस चलते ये एक स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा अगले असेंबली सेशन के अंदर, जिसके अंदर गुलबर्गा भी माना जाएगा एक सेंटर। तो ये गुलबर्गा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट की है आज डीसी ऑफिस पर। उनका यही मानना है कि माइनॉरिटी स्टेटस का उन्हें मामला नहीं मिल रहा है और कई सारे रिकमेंडेशंस और उन्हें जो फैसिलिटीज मिलना है वो नहीं मिल रही। आइए देखते हैं। मैं दीपा पाटिल जैन समाज की ओर से बात कर रही हूँ। हमारे समाज को जैन माइनॉरिटी का बेनिफिट्स है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया जैन समाज माइनॉरिटी में है, तो केएमडीसी ऑफिस और बेंगलोर केएमडीसी ऑफिस से हम लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। 4 साल से हम लोगों को एक भी स्कीम में हमको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, श्रम शक्ति योजना है, बहुत सारे योजना है, हम लोगों को एक भी बेनिफिट्स नहीं दे रहे। वो लोग एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे रहे हैं, ये पूरा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और पीएम नरेंद्र मोदी जी से और कर्नाटक गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इनकम कास्ट सर्टिफिकेट और माइनॉरिटी का बेनिफिट्स हमको ये दोनों मिलना चाहिए, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, हम वेट कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे, और नहीं तो हमको पूरा जैन समाज को माइनॉरिटी से निकाल दो। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं, जहां पर आप एक वेबिनार अटेंड करके नए तरीके सीख सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जी हां, ये ऑर्गेनाइज किया गया है इफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से, और इसमें स्पेशल गेस्ट जो स्पीकर होंगे वो है मिस्टर हमजा मौजम अली, जो कि CEO हैं स्टैंडर्ड टच कंपनी। याद रखिए, जूम के अंदर ये मीटिंग हो रही है। ID और पासवर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमजा मौजम अली की अगर हम बात करें तो वो को फाउंडर हैं क्यू सऊदी वेबसाइट के, जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आते हैं पर मंथ, और उन्हें स्टैंडर्ड टच ई सॉल्यूशन स्टार्ट किया, जो कि कई सारे वेबसाइट्स बनाता है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक्सपर्टाइज है ये ऑनलाइन के मामले में, जहाँ पर ऑनलाइन मोनेटाइजेशन, ई मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और कई सारे ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिए, 1 सितंबर शाम 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक ये वेबिनार होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं, अगर आपके काम ना आए तो इसे फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तैयारी की बात चल रही है। जी हाँ, शाहीन सिविल सर्विस एकेडमी अपने तीसरे दिन पे पहुंच चुकी है, यानी 1 सितंबर, जहां पर फिर से 2 गेस्ट बात करने वाले हैं। स्पेशल गेस्ट हैं IAS पे बात करने वाले रात 8 बजे समीर सिद्दीकी, जो कि एक UPSC ट्रेनर हैं, और दोपहर 3:30 बजे मुकेश साहे, जो कि डायरेक्टर है शाहीन सिविल सर्विस एकेडमी के, वो बात करेंगे CLAT पर। तो मिस ना करें, लॉग ऑन करें www.shaheengroup.org पर। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, GoHash Networks पे।